हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे इस आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ मेहंदी के रंग के बारे में। दोस्तों, मेहंदी लगाने से लेकर मेहंदी के रंग चढ़ने तक हमारे मन में यही ख्याल रहता है कि कुछ भी हो, मेहंदी का रंग गहरा आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करूँगी मेहंदी के रंग के बारे में। दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले तो हम बाज़ारों में जो मेहंदी का पाउडर मिलता था तो उसको घोल बनाकर हम मेहंदी लगा लेते थे। तो उसमें मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए चाय पत्ती का पानी या फिर नींबू, सिंदूर, ये सब डाल देते थे ताकि इसका रंग गहरा आए। पर दोस्तों, आज के ज़माने में मार्केट्स में तरह तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं मेहंदी के, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिल्वर गोल्ड हिना कोन है। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए लाई थी, क्योंकि अगर अगर आपको मेहंदी लगानी है या अगर आप मेहंदी सिखा रहे हैं या लगा रहे हैं या लगवाने जा रहे हैं तो आपको बढ़िया से ब्रांड का ही यूज़ करना चाहिए। ये दोस्तों, मैं जिस तरह की मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ डाल रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं कोई भी सस्ता सा कोन लेके आई हूँ। तो आपको क्या करना है, पहली बात, आपको अगर मेहंदी का रंग गहरा चाहिए तो आपको अच्छे ब्रांड की मेहंदी लानी चाहिए, जैसा कि ये कावेरी का ब्रांड। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, मेरे हाथों में ये कावेरी के 5 कोन हैं। ये मैं मेहंदी लगाने के लिए लाई थी। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप किसी भी ब्रांड का कोन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि पहले तो ये जो कोन है इसमें ऑलरेडी केमिकल्स होते हैं, ऑयल भी होता है, तो इसका तो ऑलरेडी ये है कि इसका रंग तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। कावेरी मेहंदी का तो रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे हाथों पर ये जो मेहंदी लगी हुई है, ये मैंने आज ही एक वीडियो डाला है डिज़ाइन का, तो मैंने इसको आधे घंटे बाद वॉश कर दिया था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेहंदी का रंग गहरा चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने बस एक ही काम करना है कि आपने मार्केट में आप जो भी मेहंदी खरीद रहे हैं, कोई भी कोन ले रहे हैं, तो आप वो जो कोन है उसको मतलब कि एक बार चेक कर लें। जैसे मैंने ये डिब्बा लिया था तो इसके जो कोन है वो बिल्कुल से फ्रेश है, तो आपने इसको दबा के देख लेना है कि अंदर से ड्राई ना हो, और इसकी ये जो पिन है इसको निकाल के एक बार चेक कर लेना है कि मेहंदी सूखी तो नहीं अंदर से। अगर ये सब चीज़ें ठीक है तो ऑलरेडी आपका जो मेहंदी का रंग है वो गहरा आएगा। अब मेरे हाथों का रंग आपने देखा ही होगा, ये जो मैंने मेहंदी लगाई थी इसको मैंने सिर्फ 15-20 मिनट बाद ही वॉश किया था, और इसका कलर आप देख रहे हो, और सिर्फ नॉर्मल पानी के साथ ही वॉश किया था। इसके ऊपर मैंने कोई भी नींबू चीनी का घोल नहीं लगाया, कोई भी मैंने इसको तवे के ऊपर लौंग का सेक नहीं दिया, और ना ही मैंने इसको चाकू से उतारा था, जस्ट सिर्फ पानी के साथ ही धोया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेहंदी से जुड़े कुछ भी सवाल पूछने हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मेरी आगे की नई वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, गुड बाय।